हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका किचन क्वीन में। आज हम बनाने वाले हैं खस्ता कचौड़ी। जी हाँ, ये एक बहुत ही टेस्टी डिश है। सबसे पहले हमें चाहिए सत्तू, ये चने का सत्तू है। सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार होगा, जितना हमारा सत्तू होगा उसके अनुसार हम नमक लेंगे। इसमें अब हम ये नींबू का रस मैंने यहाँ पे लिया है, डेढ़ चम्मच सरसों का तेल लेंगे हम, यहाँ मैंने लिया है प्याज, ये मैंने बारीक काट लिया है, ये काली मिर्च है, ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता। इन सभी को हमें इस सत्तू के साथ मिक्स करना है। और इसे अब हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए, ये हमारा सत्तू रेडी हो गया है। मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं। इस बड़े कप से मैंने 1 कप मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है और रिफाइन ऑयल भी मैंने लिया है, ये गुनगुना है। तो सबसे पहले हम रिफाइन ऑयल डालेंगे इस मैदे में, ये भी थोड़ा ज़्यादा गर्म है। और हमें इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश लेना है। तभी हमारा वो जो कचौड़ी है वो खास्ता बनेगा। इस तरह से हमें मिक्स करना है हाथों से, एकदम इस तरह से रगड़ रगड़ कर मैदा को और तेल को एक तरह से मिक्स कर देंगे हम। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो रेडी करेंगे। डो यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा और इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक कर रखना है। ये प्लेट से भी ढक सकते हैं और किसी कपड़े से भी आप ढक सकते हैं। तो इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम कचौड़ी बनाएंगे। आटा यहाँ पे मेरा एकदम नरम हो चुका है और इसकी अब हमें छोटी छोटी लोई बनानी है। तो आइए बनाते हैं हम इसे, इस तरह की छोटी छोटी लोई बनानी है। और इस तरह से इसके बीच में गड्ढा करना है और गोल गोल घुमाना है हमें इसे।
ये देखिए इस तरह का गड्ढा होना चाहिए। ये हो गया है और इसमें हम सत्तू डालेंगे। और इस तरह से हमें साइड साइड से गोल गोल कर कर धीरे धीरे इसका मुंह बंद करना है। ये आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों का ये मुझे खुल जाता है जब फ्राई होता है और सारा सत्तू बाहर निकल जाता है, इसलिए ध्यान से यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से टाइट रखना है ताकि आप जब बनाएं इस डिश को तो बहुत ही अच्छी बने। इस तरह की हमें बनानी है। यहाँ पे मैंने इस कचौड़ी को भर लिया है और इसे अब हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं इसे चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें कचौड़ियाँ डालते हैं। इसे अब हम पकने देंगे जब तक ये एक साइड हल्का सुनहरा लाल नहीं हो जाता है। इसे अब हम पलटेंगे। ये देखिए हल्का ऑरेंज कलर आया है इस पर। गैस को हम मीडियम आंच पे रखेंगे और इसे अब हम फिर से एक बार पलट देते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। ये जितना अच्छा दिखने में उतना ही अच्छा खाने में भी है। बहुत ही टेस्टी है ये। एक बार ज़रूर आप इसे अपने घर पे बनाएं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब। और इसी तरह से इन कचौड़ियों को भी हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे कचौड़ी हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन रेड होता है और इसी तरह की रोज़ न्यू वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।